Hi friend, welcome back to the Unacademy YouTube defense channel. So can you please tell me my voice is audible or not, or I am visible or not? So जो भी लोग online हैं तो please क्या करो, जल्दी से comment करो. मैं आप लोगों की comment पर focus कर रहा हूँ. So क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि everything is going okay or not, is there any technical issue. So after that we will continue the session. So can you please tell me my voice is audible? हाय एवरीवन, तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम लोग क्या कहते हैं शेर शाह सूरी को हम लोग कवर करते हैं. यू ऑल नो कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने जैसे फर्स्ट टाइम हमने मुगल का इंट्रोडक्शन किया था, फिर हमने क्या किया था, फिर हमने अकबर को कवर किया, देन हमने हुमायूं के लिए हमने दो क्लास कवर की थी. देन नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा शेर शाह सूरी आता है. यानी कि क्या है, हुमायूं के बीच में क्या था, शेर शाह सूरी का इन्वेंशन हुआ था, यानी कि सूर वंश की स्थापना हुई थी, सूर वंश का अटैक हुआ था. वो किसने अटैक किया था, शेर शाह सूरी ने किया था. तो ये हम लोग आज कवर करने वाले हैं कि ये जो सूरवंश है ये बीच में कहाँ से आ गया, फिर इसी बीच हुमायूं को कहाँ पर भागना पड़ा था, क्या उसको कहाँ पर वो छिप कर रहा था, और कहाँ पर फिर उसके जो उसका बेटा यानी कि अकबर उसका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये सब कुछ क्या हम लोग लास्ट सेशन के अंदर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ठीक है, तो आज हम लोग, मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि एक चैप्टर हम शेर शाह सूरी के लिए भी अलग से रखेंगे, तो शेर शाह सूरी के बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग अब कवर करेंगे कि कैसे क्या शेर शाह सूरी का बीच में इन्वेंशन हुआ था, यानी कि जो स्टार्टिंग का नाम था शेर खान से कैसे शेर शाह सूरी पढ़ा, या फिर शेर खान का नाम कैसे से जो इनका बचपन का नाम था उससे शेर खान नाम कैसे आया, तो ये लोग हम क्या है आज हम लोग कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो जल्दी से बताओ जो भी लोग ऑनलाइन है, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू द सेशन. सो पता चल जाएगा कि कोई टेक्निकल इश्यू है या फिर कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट करते हैं. ठीक है, शेर शाह सूरी बोलने का मतलब क्या, शेर शाह सूरी बोलने का मतलब है डायरेक्टली, यानी कि जो हमारी सूर डेंसिटी है. ठीक है, सूर डेंसिटी हम लोग कवर करेंगे इस सेशन के अंदर. ठीक है, तो बहुत सारे लोग जुड़ भी चुके हैं, तो सूर डेंसिटी हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, सूर डेंसिटी बोलने का मतलब क्या, शेर शाह सूरी बोलने का मतलब क्या है. ठीक है, शेर शाह सूरी बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, सूर डेंसिटी. ठीक है, सूर डेंसिटी, और ये जो टाइम पीरियड था, यानी कि जो ये इस डेंसिटी का जो टाइम पीरियड था 1540 से 1555 तक का ये बीच में टाइम पीरियड था. इसी बीच क्या था मुगल्स भारत के अंदर नहीं थे, यानी कि मुगल्स की जो प्रेजेंस थी वो भारत के अंदर नहीं थी. ठीक है, बीच में किसका इन्वेशन हुआ था, बीच में सूर वंश का इन्वेशन हुआ था. ठीक है, मैं आपको बता दूं कि शेर शाह सूरी क्या था, शेर शाह सूरी आपका सेकंड अफगानी था. शेर शाह सूरी को क्या था, शेर शाह सूरी हमारा क्या था, सेकंड अफगानी था. ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट अफगानी कौन था, यानी कि जब हमने बाबर का चैप्टर हमने कवर किया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको पक्का से देख लीजिएगा. जो फर्स्ट अफगानी था, यानी कि जो फर्स्ट अफगानी था वो कौन था, आपका इब्राहिम लोदी. ठीक है, इब्राहिम लोदी, यानी कि भारत के अंदर क्या था, ऑलरेडी एक अफगानी आ चुका था. दूसरा अफगानी कौन था, दूसरा अफगानी आपका शेर शाह सूरी था. ठीक है, दूसरा अफगानी कौन था, आपका शेर शाह सूरी था. ठीक है, तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं शेर शाह सूरी के बारे में हम लोग, यानी कि जो शेर शाह सूरी है. सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ फैक्चुअल चीजें हम लोग जान लेते हैं. ठीक है, फैक्चुअल चीज बोलने का मतलब क्या, इसका जन्म कब हुआ, इसके फादर का नाम क्या था, इसके मदर का नाम था, कहाँ पर इसका जन्म हुआ था, यानी कि बर्थ प्लेस इसकी कहाँ पर थी, ये सब कुछ हम लोग क्या है हम लोग कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले क्या है, इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म हुआ था 1486 के अंदर, 1486 यानी कि 1486 के अंदर इसका जन्म हुआ था. ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था, ये आपको पता है सभी को, होशियारपुर के अंदर. ठीक है, होशियारपुर, और होशियारपुर का अगर आपको प्लेस नहीं पता, यानी कि स्टेट नहीं पता, तो होशियारपुर कहाँ पर है, होशियारपुर आपका पंजाब स्टेट के अंदर है. ठीक है, होशियारपुर कहाँ पर है, होशियार आपका पंजाब स्टेट के अंदर है. ठीक है, तो जो भी लोग क्या है ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, तो प्लीज़ आप लोग क्या है एक बार कमेंट पक्का से कर दीजिएगा. ठीक है, तो ताकि क्या है कन्फर्म हो जाए कि एवरीथिंग इज गोइंग ओके. ठीक है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है. तो जो भी क्या है, बहुत सारे लोग इस पर जुट चुके हैं सेशन पर, तो प्लीज आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, मेक योर प्रेजेंस हियर. ठीक है, तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि हमारे जो शेर शाह सूरी है वो सेकंड अफगानी थे. फर्स्ट अफगानी कौन था, फर्स्ट अफगानी आपका इब्राहिम लोदी था. बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, इसका जो जन्म है वो 1486 के अंदर हुआ था, लेकिन डिस्प्यूट है इसके जन्म पर. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1486 की जगह इसका जन्म कब हुआ था, 1472 में हुआ था. 1486 की जगह इस पर इसका जो बर्थ है वो कब हुआ था, 1472 में हुआ था, 1486 की जगह. ओबियसली क्या है एक डिस्प्यूट, ठीक है, ओबियसली क्या है एक डिस्प्यूट है. ठीक है, यानी कि इसका जो बर्थ है, यानी कि जो साल है उसको लेकर, इसको क्या है साल को लेकर डिस्प्यूट है. ठीक है,
क्या है, अगर कोई चीज डिस्प्यूट होती है वो क्या आपसे एग्जाम्स में आपको वो कभी भी नहीं पूछी जाएगी। तो क्या है, आप ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का से आप लोग बोल सकते हो कि जो शेरशाह सूरी की डेट ऑफ बर्थ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, या फिर आप अगर जितना भी आप लोग हिस्ट्री के एग्जाम्स उठा के देख लो, कोई सा भी एग्जाम देख के देख लो, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बस एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा यानी कि शेरशाह सूरी से की डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसका जो जन्म हुआ था 1486 के अंदर हुआ था, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसका जन्म का कब हुआ था 1486 के बजाय 1472 में हुआ था, लेकिन जो बर्थ प्लेस है वो आपकी फिक्स है बिल्कुल। बर्थ प्लेस यानी कि बर्थ प्लेस कहाँ पर थी इसकी, होशियारपुर पंजाब के अंदर हुई थी। इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, होशियारपुर पंजाब के इसका अंदर इसका जन्म हुआ था। ठीक है, इसका जो जो बचपन का जो नेम था, ठीक है, जो इसका चाइल्डहुड नेम था, चाइल्डहुड नेम क्या था इसका, हसन खान था। ठीक है, इसका सॉरी इसका जो बचपन का नेम था ना वो क्या था, बचपन का नेम इसका फरीद था। ठीक है, मैं उल्टा बोल गया, इसका बचपन का नेम क्या था, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इसका जो ओरिजिनल नेम है या फिर इसका जो बचपन का नेम है, जो इसका चाइल्डहुड नेम है वो क्या था, वो फरीद खान था। ठीक है, वहीं इसके फादर का नेम क्या था, वहीं इसके फादर का नेम था हसन खान। ठीक है, इसके फादर का नेम क्या था, फादर नेम क्या था इसके, फादर नेम था इसका हसन खान, मैंने यहाँ पर आपको बताया भी है हसन खान। ठीक है, इसके फादर का नेम क्या था, इसके फादर का नेम यहाँ पर मैंने आपको बताया है, इसके फादर का नेम इसका हसन खान था। ये हसन खान कौन था, जो ये हसन खान है वो लैंडलॉर्ड हुआ करता था। लैंडलॉर्ड बोलने का मतलब क्या है, जमींदार हुआ करता था। कहाँ का जमींदार हुआ करता था, जौनपुर का, जौनपुर का, जौनपुर को आपने अगर मेरा क्या है अनअकैडमी मेरे कोर्सेज को फॉलो किया भी होगा या फिर क्या कंटिन्यू आप लोग वीडियो देख रहे होगे, तो जौनपुर को मैंने आपको बताया था कि जौनपुर शहर किसने बसाया था। ठीक है, अगर आपने मेरा कंप्लीट मुगल एरा वहां पर देखा होगा तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि जौनपुर शहर किसने बसाया था। ठीक है, जो इसके फादर थे हसन खान, हसन खान जो इसके फादर हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, जौनपुर के जमींदार हुआ करते थे, जौनपुर के लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। ठीक है, अब क्या है, अगर आप ये पूछोगे सर ये जौनपुर क्या है, या फिर मैंने आपको ये तो पूछा ही कि जौनपुर शहर किसने बसाया था, तो ये जौनपुर एक्चुअली फेमस किस लिए है, जौनपुर आपका फेमस है मुस्लिम एजुकेशन के लिए फेमस है। अब फिलहाल आप लोग क्या करोगे, जौनपुर के बारे में आप लोग सर्च करोगे तो नाउ इट इज़ क्या है, जौनपुर क्या है मुस्लिम एजुकेशन के लिए काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, जौनपुर मुस्लिम एजुकेशन के लिए काफ़ी पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या है जो मुस्लिम एजुकेशन होती है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ एक बार स्क्रीन को रफ कर लेता हूँ। ठीक है, जौनपुर मुस्लिम जो मुस्लिम एजुकेशन है उसके लिए काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिए जो भी लोग ऑनलाइन है। ठीक है, सो एवरीथिंग इज गोइंग ओके और नॉट, या फिर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताओ। ठीक है, आफ्टर डैट क्या करेंगे हम लोग, सेशन को फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी अभी बताया जो इसके फादर का नाम क्या था, फादर का नेम इसके का नाम हसन खान था। हसन खान ही एक्चुअली इनका जो ऑक्यूपेशन था, इनका व्यवसाय क्या था, ये एक जमींदार हुआ करते थे जौनपुर के। ठीक है, और जौनपुर के बारे में मैंने आपको बताया कि जौनपुर एक्चुअली किस चीज़ के लिए फेमस था, जौनपुर आपका मुस्लिम एजुकेशन के लिए फेमस है नाउडेज। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो आइए चलते इससे आगे चलते हैं। ठीक है, जौनपुर के बारे में मैंने आपको बताया कि जौनपुर मुस्लिम एजुकेशन के लिए काफ़ी फेमस है। तो अब चलते हैं इसकी शेर खान सूरी, जो ये आपका शेर खान है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि जो आपका शेर खान है वो एक नॉर्मल क्या था, एक सिपाही से एक राजा कैसे बना। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है हम लोग कवर करने वाले हैं जल्दी से फिर से। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों की कमेंट भी आ रही है। ठीक है, तो जल्दी से यार प्लीज़ क्या करो, जो भी ऑनलाइन है ना कमेंट करके मेरे को ना बताते रहो, ताकि क्या है यू गाइज आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द क्लास। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में, जो एक्चुअल बात है कि ये क्या है, इसकी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। मैंने आपको अभी भी बताया था कि इसके बचपन का नाम क्या था, इसका बचपन का नाम फरीद खान था। जब शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड था उस टाइम क्या हुआ करता था, बिहार आपको पता है, बिहार के अंदर रूल कौन करता था, बिहार के अंदर रूल करता था आपका बहार खान लोहानी। बिहार के अंदर रूल कौन करता था, बहार खान लोहानी। ठीक है, बहार खान लोहानी बिहार के अंदर रूल कौन करता था, बिहार के अंदर रूल करता था आपका बहार खान लोहानी। ठीक है, तो क्या हुआ, ये क्या था, जब ये बचपन में था क्या था, अपनी बॉडी क्या थी इसकी, काफ़ी टाइट थी, यानी कि टाइट बोलने का मतलब क्या है, ये काफ़ी हेल्थी था। ठीक है, ये काफ़ी हेल्थी था। तो जैसे ही जो ये जब ये बंगाल जब ये बिहार गया, ठीक है, जब ये इसको बिहार गया, इसकी बॉडी वगैरह देखकर, इसकी फिजिकल फिटनेस देखकर, जो बिहार के जो रूलर हुआ करते थे बहार खान लोहानी, ठीक है, जो बिहार के जो रूलर हुआ करते थे बहार खान लोहानी, उन्होंने क्या कर लिया, इसको एज ए अपना इसको बॉडीगार्ड अपॉइंट कर लिया। ठीक है, बहार खान लोहानी ने इसको क्या कर लिया, एज ए बॉडीगार्ड इसको अपॉइंट कर लिया।
ठीक है, एज ए बॉडीगार्ड इसको अपॉइंट कर लिया। ठीक है, सुनने में आता है कि क्या है, जब बाहर खान जो लोहानी है, ये जो बिहार के रूलर हुआ करते थे उस टाइम पर, ये एक बार क्या है जंगल में घूमने गए थे। ठीक है, जंगल में क्या थे, शिकार वगैरह करने गए थे, जंगल में क्या थे घूमने गए थे। तो तभी क्या था, एक शेरनर यानी कि शेर ने क्या है, एक लोयन ने इन पर अटैक कर दिया। ठीक है, इन पर एक अटैक हुआ था, लोयन का अटैक। तो इनके बॉडीगार्ड कौन हुआ करते थे, इनके बॉडीगार्ड हुआ करते थे शेर खान या शेर शाह सूरी। तो जैसे ही शेर पर, शेर ने इन पर अटैक किया, तो जो इनके बॉडीगार्ड यानी कि शेर खान शेर शाह सूरी, उन्होंने क्या किया, तुरंत से जो तलवार निकाली एक ही बार में क्या किया, शेर को मार दिया। ठीक है, एक ही बार में शेर को मार दिया। ठीक है, किसने मारा था ये, शेर शाह सूरी ने मारा था। ठीक है, शेर शाह सूरी ने मारा था। ऑब्वियसली यार क्या, एक ही बार में क्या शेर को मारना काफी मुश्किल है, तो एक ही बार में क्या था इसने शेर को मार दिया था। तो इसी चीज से खुश होकर बाहर खान जो लवानी था, इनको नाम दिया शेर खान। जब इन्होंने शेर को मार दिया एक ही बार में, तो इसी चीज से जो बिहार के रूलर थे बाहर खान लोहानी, इसी वजह से क्या किया, इसको नाम दिया शेर खान के नाम से। यानी कि जो इनका बचपन का नाम था फरीद खान, जो इनका बचपन का नाम था, मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, जो इनका बचपन का नाम था फरीद खान, नाउ इट्स टर्न इनटू शेर खान। और क्यों, क्योंकि इन्होंने एक शेर को मार दिया था एक ही बार में। कहाँ पर, जब आपके जो बिहार के रूलर हुआ करते थे बाहर खान लोहानी, जब वो जंगल में घूमने गए थे, जब वो उन पर शेर ने अटैक किया था, तो एक ही बार में क्या कर लिया इनको, शेर को इन्होंने मार दिया। तो इसी वजह से क्या हुआ, बाहर खान लोहानी ने क्या किया, इसको शेर खान का टाइटल दिया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ जो भी लोग ऑनलाइन है, तो प्लीज़ कमेंट करके पक्का से बता दीजिएगा आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर जो भी आप लोगों का फीडबैक है, ठीक है, तो वो चीज़ आप जल्दी से आप लोग कमेंट करो। ठीक है, अब जैसे ये महल के अंदर पहुंचा, जो ये शेर खान क्या है, अब जो फरीद बनकर नाम क्या, मैं बार बार बोलूंगा शेर खान। अब जैसे महल के अंदर जब ये पहुंचा, तो क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद क्या, जो ये बिहार का रूलर था बाहर खान लोहानी, इसने क्या थी नई नई शादी करी थी। ठीक है, तो इसको क्या हुआ, एक लड़का हुआ। ठीक है, यानी कि जो बाहर खान लोहानी को क्या हुआ, एक लड़का हुआ, एक सन हुआ। ठीक है, तो ओबियसली क्या थी इसकी, क्या थी शेर खान की फिजिकल फिटनेस काफी ज्यादा थी। ठीक है, फिजिकल फिटनेस ज्यादा थी, तो बाहर खान वाली ने इसको क्या क्या कि अब क्या करो, अब आप मेरी रक्षा मत करो, ठीक है, मेरे बॉडीगार्ड बनकर मत रहो, अब क्या करो, अब मेरी जगह आप मेरे बेटे के बॉडीगार्ड बनो। ठीक है, उसकी रक्षा करो, उसको दुश्मनों से बचाओ। ठीक है, उसको दुश्मनों से बचाओ। ठीक है, तो अब बाहर जो, अब क्या था, अब शेर खान जो पहले बाहर खान वानी का जो बॉडीगार्ड हुआ करता था, अब किसका बॉडीगार्ड बन चुका था, जो उसके बेटे थे बाहर खान लोहानी का, उसका बेटा था। ठीक है, उसके बेटे का भी ये बॉडीगार्ड बन चुके थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, हाँ इसीता ने बिल्कुल ठीक कमेंट किया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, इसीता की कमेंट आई है। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब क्या था ये इसका बेटे का बॉडीगार्ड बन चुका था। ठीक है, फिर सेम टाइम पर क्या हुआ, सेम टाइम के अंदर क्या हुआ, जो भारत है, भारत के अंदर क्या हुआ, जो मुगल्स आ गए, भारत के अंदर क्या हुआ, भारत के अंदर मुगल्स आ गए। ठीक है, यानी कि बाबर ने अटैक कर दिया था उसी टाइम के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, ये अपनी जो बॉडीगार्ड की पोस्ट है, जो उसके बेटे का जो बॉडीगार्ड था, उसकी पोस्ट को छोड़कर ये क्या हुआ, उसने मुगल्स आर्मी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, जॉइंस मुगल आर्मी, शेर खान ने किसको ज्वाइन कर लिया, मुगल्स आर्मी को ज्वाइन कर लिया। और आप लोगों को मैंने बताया भी था, जो बैटल ऑफ जो कानवा हुई थी, ठीक है, बैटल ऑफ जो कानवा हुई थी, यानी कि जो राणा सांगा के खिलाफ हुई थी, उसमें जो, ठीक है, तो उसके अंदर कहाँ, किस लड़ाई में शामिल हुआ था, बैटल ऑफ कानवा में। ठीक है, बैटल ऑफ कानवा में क्या हुआ, इसने मुगल आर्मी में शामिल होकर यानी कि मुगलों को सपोर्ट किया था। फिर मैंने आपको वहां पर बताया था कि जैसे ही वो लोग जश्न मना रहे थे, तो क्या हुआ, ये तलवार के साथ क्या था, अपना जो मांस के टुकड़े खा रहा था, तलवार से उठा उठा के मांस के टुकड़े खा रहा था। मैंने आपको बताया था कि बाबर को जब जैसे ही इसको देखा, बाबर को तभी पता चल गया कि ये नॉर्मल पर्सन नहीं है। उसने अपना जो सेनापति था उसको ऑर्डर दिया कि जाइए इसके बारे में पता करके आइए। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी स्टोरी वहाँ पर भी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ वो वीडियो पक्का से देख लीजिएगा, यहीं पर अवेलेबल यूट्यूब चैनल पर। या फिर क्या करो, आप लोग मेरी अनअकैडमी पर जो मेरा मुगल एरा का एक कोर्स है, उसको आप लोग कंप्लीट कर लो, आप लोगों को क्या सारा का सारा समझ में आ जाएगा एक अच्छी वे में। यूपीएससी प्री लेवल तक आप लोगों को मुगल एरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको पता ही होगा कि बैटल ऑफ कानवा में क्या सपोर्ट करने के बाद, जैसे वो सेनापति उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके गया, वो क्या है, ये घोड़े पर बैठकर क्या वहां से भाग गया, और बोलते बोलते क्या बोलकर गया था कि मुगलों को मैं भारत के अंदर कभी नहीं टिकने दूंगा। ठीक है, मुगलों को भारत के अंदर कभी नहीं टिकने दूंगा। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ कानवा, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको मैंने आपको गलती से बोल दिया, एक्चुअली ये बैटल ऑफ कानवा नहीं, बैटल ऑफ चंदेरी में इसने मुगलों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी,
तब हुई थी ये स्टोरी, ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी में आप लोगों के सामने क्या गलत लिख दिया, तो बैटल ऑफ संदेह, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्या है समझ में आ भी रहा होगा। तो जैसे ही वहां पर भागा तो क्या थे, जो इब्राहिम लोदी के छोटे भाई थे, यानी कि जो बंगाल में जो रूल करते थे, अब क्या हुआ ये बंगाल की तरफ भाग के आ गया, ठीक है। बंगाल की तरफ ये भाग कर आ गया, और बंगाल की तरफ भाग कर आकर इसने क्या किया, महमूद लोदी हुआ करता था जो उसकी आर्मी में ये शामिल हो गया, ठीक है। ही जॉइंट्स महमूद लोदी आर्मी, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने महमूद लोदी की आर्मी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ही जॉइंस महमूद लोदी आर्मी, ठीक है। इसी बीच क्या हुई, जो इसी बीच क्या हुआ कि जो आपके बिहार के रूलर हुआ करते थे, जिनके बॉडीगार्ड हुआ करते थे, वो क्या हुए, वो एक्सपायर हो गए इसी बीच, ठीक है। इसी बीच क्या थे, जो बिहार के जो रूलर हुआ करते थे वो एक्सपायर हो गए भी, यानी कि बिहार के रूलर कौन हुआ करते थे, बहार खान लोहानी, ठीक है। वो एक्सपायर हो गए, और एक्सपायर होने के बाद क्या, जो भी उनकी विधवा थी उससे शेर खान ने शादी कर ली, ठीक है। जो उसकी यानी कि विधवा थी, जो उसकी विडो थी, उससे इसने शादी कर ली शेर खान ने, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब ऑटोमेटिक जो बिहार का रूलर, ठीक है, जो बिहार का रूलर अब कौन हुआ, अब बिहार का रूलर शेर खान हुआ। ये कैसे बना, तो बहार खान लोहानी की क्या थे, बहार खान लोहानी एक्सपायर हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी, और जो भी इनकी जो विधवा रानी थी उससे इन्होंने शादी कर ली, और शेर खान क्या हो गए, अब शेर खान बिहार के रूलर बन गए, ठीक है। तो ये बिहार के रूलर ऐसे बने थे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए और पूछिए, ठीक है। तब आपको पता चला कि एक जो नॉर्मल सिपाही हुआ करते थे, एक बॉडीगार्ड हुआ करते थे, हाउ यू वाज टर्न फ्रॉम सोल्जर इनटू रूलर, हाउ यू वाज टर्न इनटू सोल्जर इनटू किंग, ठीक है। तो ये स्टोरी थी उनकी एक एम्परर बनने की, ठीक है। उन्होंने विधवा से शादी कर ली थी, ठीक है, उन्होंने विधवा से शादी कर ली थी, तभी क्या थे वो बंगाल के रूलर बने, ठीक है, सॉरी बिहार के रूलर बने, बिहार के राजा बने, ठीक है। उन्होंने बिहार की जो विधवा रानी थी उससे इन्होंने शादी कर ली थी, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको क्या है समझ में आ चुका आ रहा होगा, तो आइए चलते अब उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ क्या करिए, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दो, जो भी लोग ऑनलाइन है, ठीक है। अब क्या है शेरशाह सूरी, क्या है शेरशाह सूरी, जैसे हर कोई एक राजा पॉपुलर होता, ठीक है, कोई किसी चीजों के लिए आपने देखा होगा, बाबर क्या हुआ पॉपुलर हुआ लड़ाई लड़ने की वजह से, ठीक है। अब आगे चलकर जो हुमायूं हुआ वो कैसे पॉपुलर हुआ था, हुमायूं पॉपुलर हुआ था अपने मतलब कि दयालु होने की वजह से, परोपकारी होने की वजह से। अब ये जो शेर खान है ये किस लिए पॉपुलर हुआ, ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए पॉपुलर हुआ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए पॉपुलर हुआ, ठीक है। सब लोग यही बताते हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर, सब लोगों का यही कहना है कि अगर शेरशाह सूरी जल्दी नहीं मरता, मैं बोल रहा हूँ अगर शेरशाह सूरी अगर जल्दी नहीं मरता तो क्या ये भारत जो इंडियन हिस्ट्री है उसका ये सबसे बड़ा सम्राट राजा बनता, बिकॉज क्या थी इसकी जो डेथ थी वो जल्दी हो गई थी, यानी कि हम लोग डेथ का केस भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट डेट, जब डेथ का केस आएगा वो भी हम लोग कवर करेंगे। जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी उन पॉलिसियों को देखकर सब कुछ सब लोग यही बोलते हैं, सारे हिस्टोरियन यही बोलते हैं, सारे इतिहासकार यही बोलते हैं कि अगर ये क्या है अगर ये जल्दी नहीं मरता तो क्या भारत का जो सबसे बड़ा सम्राट रूलर होता वो आपका शेरशाह सूरी होता, ठीक है। तो आइए चलते इसके एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी को देखते हैं कि कैसे इसको सम्राट बताया गया है, कैसे इसको एक बहुत बड़ा रूलर बताया गया, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या किया था, सबसे पहले इसने शेरशाह सूरी मार्ग बनवाया था, ठीक है, यानी कि शेरशाह सूरी मार्ग इसने बनवाया था, ठीक है। ही कंस्ट्रक्टेड शेरशाह, ठीक है। तो चेतना साबरवाल का कमेंट आया है, यस सर गोइंग गुड, ठीक है। तो आई थिंक सर कंटिन्यू क्या है, तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि शेरशाह सूरी ने एक्चुअली क्या किया था, कि शेरशाह सूरी ने सबसे पहले क्या करवाया था, शेरशाह सूरी मार्ग बनवाया था, ठीक है। और ये जो ये ग्रांड ट्रंक रोड है ये इसने कहाँ से कहाँ तक बनाया था, यानी कि ये बनाया था सोनार से, ठीक है, सोनार टू पेशावर, ठीक है। मैं आपको अभी ये सारा बताऊंगा जो नीचे आपको दिख रहा है कि ये कैसे क्या है, सोनार से पेशावर तक इसने शेरशाह सूरी मार्ग बनवाया, ठीक है, शेरशाह सूरी मार्ग बनवाया, ठीक है, शेरशाह सूरी मार्ग कहां से कहां तक था, ये सोनार से पेशावर तक था, ठीक है। इसने इस रास्ता के इस जो ये इसके ये जो रास्ता था इसने क्या किया था, यहाँ पर इसने अराउंड क्या थे 1700 सराय बनवाए थे। इस शेरशाह सूरी मार्ग था जो ये शेरशाह सूरी मार्ग था, शेरशाह सूरी मार्ग कहाँ था, शेरशाह सूरी मार्ग आपका कहाँ से कहाँ था, सोनार से पेशावर तक। इसने इसके अंदर क्या थे 1700 सराय बनवाए थे, सराय बोलने का मतलब क्या, रेस्ट हाउस,
इसने इस मार्ग के अंदर कितने रेस्ट हाउस बनवाए, इसने इस मार्ग के अंदर 1700 रेस्ट हाउस बनवाए, ठीक है। रेस्ट हाउस तो इसने बनाए क्या जगह जगह पर, किसने, इसने हर 2 माइल पर, यानी कि हर 2 माइल पर एक कोस मीनार भी बनवाया, ठीक है। कोस मीनार को क्या है, हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम है वो अब भी फॉलो करता है। कोस मीनार बोलने का मतलब क्या है, आप लोग जब हाईवे पर चलते हो, ठीक है, या फिर एक्सप्रेस वे पर चलते हो, आपको हर 2 माइल पर क्या है डिस्टेंस का एक बोर्ड लगा रहता है कि आप लोग इतना किलोमीटर चल चुके हो, ठीक है। इसी शेरशाह सूरी मार्ग पर 1700 तो रेस्ट हाउस बनवाए, ठीक है, और हर 2 माइल पर क्या हुआ एक कोस मीनार लगवाया। कोस मीनार बोलने का मतलब क्या, डिस्टेंस का जो साइन बोर्ड है, तो उसने हर 2 माइल पर, ठीक है, हर 2 माइल पर इसने एक कोस मीनार लगवाया, ठीक है, हर 2 माइल पर, हर दूसरी मील पर इसने एक कोस मीनार बनवाया, ठीक है। कोस मीनार बोलने का मतलब क्या, डिस्टेंस साइन, हर 2 माइल पर इसने डिस्टेंस साइन लगवाया कि आप लोग कितना चल चुके हो, ठीक है। अब शेरशाह सूरी का आप लोगों को पता ही होगा, शेरशाह सूरी का प्रेजेंट नेम क्या, शेरशाह सूरी का प्रेजेंट नेम यहाँ पर मैंने आपको बताया भी है क्या, ये शेरशाह सूरी का प्रेजेंट नेम ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। ग्रांड ट्रक रोड को क्या बोला जाता है, ग्रांड ट्रक रोड को ही जीटी रोड बोला जाता है, ठीक है। अब ये जीटी रोड फिलहाल कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि ये हमारा जो अब ये जीटी रोड है ये अमृतसर से कोलकाता तक है, ठीक है, अमृतसर से कोलकाता तक, ठीक है, कोलकाता तक, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कोलकाता से अमृतसर है, ठीक है। ये अब क्या 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, इसको क्या है NH1 और NH2 के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, NH1 और NH2 के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, NH1 और NH2, ठीक है। NH1 जो NH2 है आप लोगों को क्या है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। इस शेरशाह सूरी मार्ग को क्या नाम बदल कर रख दिया गया, जीटी रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड, और इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, NH1 और NH2। NH1 कहाँ से कहाँ तक है, NH1 आपका दिल्ली से अमृतसर की तरफ है, ठीक है, दिल्ली टू अमृतसर। और NH2 कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली टू कोलकाता, ठीक है, दिल्ली से कोलकाता की तरफ। और मैंने आपको बताया था कि पूरा जो जीटी रोड है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो आपको कलकत्ता से अमृतसर है, ठीक है। आप लोग देखो आप क्या इंडियन गवर्नमेंट ने इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, जीटी रोड को NH1 और NH2, यानी कि दिल्ली से अमृतसर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, NH1 बोला जाता है, और दिल्ली से कोलकाता वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, दिल्ली से कोलकाता वाले पार्ट को आपका NH2 बोला जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और अब आप लोग एक बड़ा NH44 के बारे में भी सुनते होंगे, NH44 कहाँ से कहाँ तक है, NH44 क्या है, बहुत सारे जो हाईवे है उनका क्या एक कॉम्बिनेशन है, और इसको एक नाम से बोला गया श्रीनगर से कन्याकुमारी, या फिर आप बोलते हो कन्याकुमारी टू श्रीनगर, ठीक है, इसको क्या बोलते हो, इसको आप NH44 बोलते हो, ठीक है। तो मैंने आपको जितने भी NH है इनके बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट पार्ट बता दिया कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था शेरशाह सूरी के बारे में क्या था, इसने शेरशाह सूरी मार्ग बनवाया, ठीक है, शेरशाह सूरी मार्ग इसने बनवाया, ठीक है, पता होना चाहिए शेरशाह सूरी मार्ग इसने बनवाया, और कहाँ से कहाँ तक बनवाया, सोनार से पेशावर तक, ठीक है, सोनार से पेशावर तक। फिर मैंने आपको बताया था कि इसने इसके अंदर कितने क्या 1700 आपके कोस मीनार भी लगवाए, ठीक है, 1700 इसने कोस मीनार भी लगवाए, ठीक है। कोस मीनार बोलने का मतलब क्या है, डिस्टेंस साइन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं एक बार स्क्रीन को रफ कर लेता हूँ जल्दी से, तो जो भी ऑनलाइन है तो प्लीज़ क्या करिए आप लोग कमेंट पक्का से कीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर कोई डाउट हो तो पक्का से क्या करो आप लोग कमेंट कर दो। ठीक है, तो हमने जीटी रोड के पॉइंट को हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब आगे चलते हैं पटना की तरफ, ठीक है, आगे कहां पर चलते हैं, पटना की तरफ चलते हैं, ठीक है। ग्रांड ट्रक रोड को बनवाने के बाद क्या किया इसने, ग्रांड ट्रक रोड बनवाने के बाद क्या हुआ, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा पाटलिपुत्र, ठीक है, सभी ने आप लोगों ने सुना होगा पाटलिपुत्र, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ एक बार यहाँ पर देख लेता हूँ पाटलिपुत्र मैंने यहाँ पर कहाँ पर ऐड किया, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो पाटलिपुत्र आपको सभी को ही पता है, पाटलिपुत्र, ठीक है, इसने पाटलिपुत्र का नाम चेंज किया था, ठीक है, चेंज द नेम ऑफ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से इसने नाम बदलकर क्या रखा, पाटलिपुत्र से इसने नाम बदलकर पटना रखा, जो बिहार की कैपिटल आप लोग आप सुनते हो, ठीक है। और ये पाटलिपुत्र क्या हुआ करती थी, ये पाटलिपुत्र आपकी मगध की कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है, पाटलिपुत्र कहाँ की कैपिटल हुआ करती थी, पाटलिपुत्र आपकी मगध की कैपिटल हुआ करती थी। 2 पॉइंट आपके हो चुके, एक तो
जीटी रोड या फिर क्या शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट है, इसने पाटलिपुत्रा का नाम चेंज किया और किस क्या नाम रख दिया, पटना इसने रख दिया। तीसरा पॉइंट क्या है, ही स्टार्टेड सिल्वर कॉइंस इन इंडिया, ठीक है, इसने भारत के अंदर सिल्वर कॉइंस चलवाए, ठीक है। जो आपका ये पॉइंट है, मैं ये पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ, ही स्टार्टेड सिल्वर, ठीक है, सिल्वर कॉइंस इन इंडिया। और जो ये चांदी के सिक्के थे, इन्होंने इसका नाम क्या दिया, इन्होंने चांदी के सिक्कों को नाम दिया रुपया। इसने चांदी के सिक्कों को क्या नाम दिया, इसने चांदी के सिक्कों को रुपया नाम दिया, ठीक है। और जो आज का फिलहाल हमारा रुपया, ठीक है, जो इसको जो आज का नाम क्या है, जो ये 1 रुपया इक्वल टू 24 टाइम्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। ही स्टार्टेड सिल्वर कॉइंस इन इंडिया। सिल्वर कॉइंस के साथ साथ इसने क्या किया, इसने कॉपर कॉइंस भी चलवाए, ठीक है। सिल्वर कॉइंस के साथ क्या क्या किया, इसने कॉपर कॉइंस भी चलवाए, ठीक है, कॉपर कॉइंस भी इसने चलवाए। और कॉपर कॉइंस का नाम क्या था, कॉपर कॉइंस का नाम था डैम दाम, ठीक है। तो अब क्या है, अगर आप सिल्वर कॉइंस को और कॉपर कॉइंस को कन्वर्जन करोगे तो क्या है, आपका 1 रुपी यानी कि 1 सिल्वर कॉइंस इक्वल टू 64 दाम यानी कि कॉपर कॉइंस, ठीक है। तो ये आपके इनका कन्वर्जन इनका फैक्टर था जो इन्होंने यूज किया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनकी डेथ कैसे हुई थी, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क देखेंगे, इन्होंने क्या किया था, एक बड़ा काम भी क्या किया था, इन्होंने एक बड़ा काम भी किया था। सभी लोगों को पता होगा आपके क्या, दिल्ली के अंदर दो किले, एक तो आपका रेड फोर्ट होता है, एक आपका पुराना किला होता है। इन्होंने दिल्ली के अंदर क्या किया, दिल्ली के अंदर इन्होंने पुराना किले का भी निर्माण करवाया, ठीक है। इन्होंने दिल्ली के अंदर क्या किया, पुराने किले का भी निर्माण करवाया, ठीक है। एंड क्या था, ये कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करी थी, ये कंस्ट्रक्शन हुमायूं के टाइम पीरियड से स्टार्ट हुई थी। लेकिन आपको पता था कि शेरशाह सूरी ने क्या कर लिया था, हुमायूं पर अटैक कर दिया, तो हुमायूं क्या था, छोड़कर भाग गया था। तो इसका पूरा काम किसने करवाया, इसको पुराना जो किला, इसको पूरा किसने करवाया था, उन्होंने वो पूरा काम करवाया आपके शेरशाह सूरी ने, ठीक है। शेरशाह सूरी ने ये क्या किया, इन्होंने इसका पूरा निर्माण करवाया, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को अब समझ भी आ चुका होगा, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट करते हैं कि इनकी डेथ कैसे हुई थी, ठीक है, इनकी डेथ कैसे हुई थी, ठीक है। ये आप लोगों को आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, आप लोगों को क्या है, ये इनकी डेथ कैसे हुई थी, एक्चुअली क्या था, ये कालिंजर मिशन इनका चल रहा था, ठीक है। कालिंजर मिशन इन लोगों का चल रहा था, ये कालिंजर मिशन पर गया हुआ था, ठीक है। कालिंजर मिशन पर ये गया हुआ करती थी उस टाइम पर, इनकी क्या हुआ करती, एक तोप हुआ करती थी उस टाइम पर, एक एक्सप्लोशन जो आप बोल सकते हो, ठीक है, एक्सप्लोशन, एक जो तोप, एक तोप हुआ करती थी, तोप का नाम क्या था, उक्का, ठीक है। उक्का जो गन पाउडर जो यूज करती थी, उक्का उसका नाम हुआ करता था, ठीक है, उक्का उसका नाम हुआ करता था, ठीक है। और क्या है, जब ये कालिंजर मिशन पर गया होता तो क्या था, ये उक्का से तोप के गोले छुड़वा रहा था, ठीक है। तो एक क्या हुआ, जब ये क्या था, एक तोप के पीछे खड़ा था, ठीक है, एक तोप के पीछे ये खड़ा था। और फिर क्या हुआ, कालिंजर की एक दीवार पर क्या था, ये उक्का से मतलब कि गोले, उसको गोले छुड़वा कर क्या कर रहा था, दीवार को गिराने की कोशिश कर रहा था। तो एक गोला ऐसा था, ठीक है, मतलब एक गोला जब इसने ऐसा फायर करवाया कि वो कालिंजर किले की दीवार तक तो गया, ठीक है, दीवार तक तो गया, जैसे टकराने से गोला फट जाता ना, वो फटा नहीं, दीवार से टकरा कर वापिस वहीं पर आकर गिर गया, ठीक है। और वहीं पर आकर गिर गया तो पास में कौन खड़े थे, पास में आपके शेरशाह सूरी खड़े थे। और क्या, गोला फटने की वजह से क्या हुआ, बाई एक्सीडेंटल डेथ थी, कि गोला फटने की वजह से क्या हुआ, शेरशाह सूरी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, शेरशाह सूरी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कैसे हुई, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कालिंजर मिशन पर गया हुआ था, कालिंजर मिशन की वजह, कालिंजर मिशन में क्या किया था, ये उक्का तोप का इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है, जो उक्का आपकी एक तोप हुआ करती थी उसका ये इस्तेमाल कर रहा था। तो तोप के गोलों से क्या कर रहा था, कालिंजर का जो किला उसको गिरवाने की कोशिश कर रहा था। तो इसने एक गोला छुटवाया, ठीक है, मतलब कि गोले बहुत सारे छुटवाए, लेकिन एक गोला ऐसा था जैसे ही छुटा कि वो दीवार से टकरा कर वापस वहीं पर आकर गया। और भाई एक्सीडेंटल क्या हुई, इसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो क्या हुई, ये किसी ने क्या किया था, ये किसी ने इसकी हत्या नहीं करी थी भाई, बल्कि क्या था कि जैसे आपका हुमायूं था कि गिरने से मौत हुई थी, इसकी क्या थी, बम फटने से इसकी मौत हुई थी, ठीक है। और ऑब्वियसली क्या, मरेगा तो क्या है, इसका टॉम यानी कि मकबरा भी बनेगा, ठीक है। तो इसका मकबरा कहाँ पर बना था, इसका मकबरा आपका ससाराम बिहार के अंदर बना था, ठीक है, ससाराम बिहार के अंदर इसका क्या है, मकबरा है। क्वेश्चन आपका बार बार आता है कि आपका जो ये इसका टॉम है वो कहाँ पर है, तो वो आपका ससाराम बिहार के अंदर है, ठीक है। तो आई थिंक क्या है, आप लोगों को पता भी होगा कि बहुत बार ये क्वेश्चन आया कि आपका शेरशाह सूरी का टॉम कहाँ पर है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो आपका शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, सासाराम बिहार के अंदर है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सासाराम बिहार, वैसे आप कॉन्टेंट में भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कहाँ पर इसका मकबरा, आपका सासाराम बिहार के अंदर है, ठीक है, सासाराम बिहार के अंदर है। जैसे इसकी डेथ हुई,
ठीक है, इस जैसे इसकी डेथ हुई इसके टाइम पर क्या हुआ, इसके तीन सस्केसर थे। पहला कौन सा था हमारे लिए, क्या है इसके जो सस्केसर थे यानी कि जो बाद में इसके उत्तराधिकारी थे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बिकॉज क्या है, उनसे रिलेटेड आज तक ना तो कभी क्वेश्चन आया, या फिर क्या है उनके जो टाइम पीरियड था उनके बीच में क्या था, कुछ बढ़ावे कुछ ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ था जो हमें याद रखना पड़े। इनके मरने के बाद क्या है, इनके मरने के बाद इनके तीन इनके सस्केसर बने, ठीक है, तीन इनके उत्तराधिकारी बने। पहला कौन था, इस्लाम शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है, जो इनके बेटे हुआ करते थे इस्लाम शाह सूरी। बाद में एक दूसरे रूलर कौन बने इस्लाम शाह सूरी के बाद, यानी कि आदिल शाह सूरी, आदिल शाह सूरी, ठीक है, आदिल शाह सूरी। और तीसरे कौन से थे, तीसरे आपके सिकंदर सूरी थे, ठीक है, सिकंदर सूरी। यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि आपका जो सूर्यवंश का लास्ट रूलर कौन सा था, तो सूर्यवंश का आपका लास्ट रूलर सिकंदर शाह सूरी था। तो सिकंदर शाह सूरी को कौन करेगा डिफीट, कौन करेगा, हुमायूं करेगा। हुमायूं यानी कि जब भारत के अंदर वापस से आ जाएगा, उसको जब जैसे ही पता लगेगा क्या है कि शेर शाह सूरी एक्सपायर हो चुके हैं, तो दिस इज द राइट टाइम कि क्या भारत पर फिर से कब्जा किया जाए, फिर से अटैक किया जाए। तो अगर क्वेश्चन आए कि सूर्यवंश का लास्ट रूलर कौन हुआ करता था, सूर्यवंश का लास्ट रूलर आपका सिकंदर शाह सूरी हुआ करता था, ठीक है, सिकंदर शाह सूरी हुआ करता था। और आप लोगों को सभी को ही पता है कि सिकंदर शाह सूरी को लास्ट यानी कि लास्ट रूलर क्यों बोला गया, बिकॉज क्या था, इसको हुमायूं ने हरा दिया था। और हुमायूं को अगर हराया था तो कोई ना कोई बैटल भी हुई होगी, तो बैटल का नाम क्या था, बैटल ऑफ सरिंद, ठीक है, बैटल का नाम क्या था, बैटल का नाम था सरिंद। बैटल ऑफ सरिंद के अंदर क्या हुआ, हुमायूं ने सिकंदर शाह को हरा दिया, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या था, ये सब कुछ आपका शेरशाह सूरी के बारे में, ठीक है, ये सब कुछ क्या था आपका शेरशाह सूरी के बारे में था। और क्या आपको जितना भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और बता, एक और पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है, तो डोंट वरी, अभी मैं आपको बता देता हूँ। इनके टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ करते थे, इनके टाइम पीरियड के अंदर आपके एक क्या थे, एक हिंदी कवि हुआ करते थे, हिंदी कवि का नाम क्या था, मोहम्मद मलिक, एक कवि हुआ करते थे, ठीक है, मलिक मोहम्मद, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी ने क्या किया था, जो आपको फिलहाल ये डिस्प्यूट हुआ था पद्मावत मूवी को, ठीक है, पद्मावत मूवी का जो ये डिस्प्यूट हुआ था यानी कि फिल्म बनी थी, मलिक मोहम्मद जैसी ने क्या किया था, इस पद्मावत जो आपका ये, इसको कुछ भी बोलो, ग्रंथ बोलो, बुक लिखो, तो इसी ने लिखी थी और इन्हीं के टाइम पीरियड के अंदर ये लिखी गई थी, ठीक है। तो डेट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज आपको पता है कि पद्मावत क्या है, रिसेंटली क्या न्यूज में काफी रहेगी, न्यूज में काफी रही थी, ठीक है। तो इस बार का तो सीडीएस आपका हो चुका, तो इस बार तो ये क्वेश्चन नहीं आया, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीडीएस एग्जाम में आपका आ जाए, यानी कि जो आपका सितंबर के मंथ में सीडीएस का एग्जाम होगा, या फिर एफकैट का होगा, या फिर आपका एनडीए का होगा, अगर क्वेश्चन आए कि पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा था, ठीक है, तो पद्मावत ग्रंथ या पद्मावत बुक किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी मलिक मोहम्मद जैसी ने, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी। और उन्होंने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि पुराने किला का निर्माण करवाया था दिल्ली के अंदर, साथ के साथ और किसका निर्माण करवाया था, इन्होंने खूनी दरवाजे का भी निर्माण करवाया था। खूनी दरवाजा बोलने का मतलब क्या था, जो भी जो इनके विरोधी हुआ करते थे उनको क्या करता था, ये वहां पर ले जाकर मरवाया करता था, ठीक है, खूनी दरवाजा, ठीक है। और ये खूनी दरवाजा कहाँ था, आपको पता होगा फिरोसा कोटला के अंदर है ये, ठीक है, फिरोसा कोटला आपको पता है स्टेडियम भी है और एक छोटा सा एक टाउन भी है दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो फिरोसा कोटला के अंदर क्या किया इन्होंने, खूनी दरवाजे का भी निर्माण करवाया, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को सभी को क्लियर है। तो क्या करता हूँ मैं आपको, क्या वैसे आपका क्या शेरशाह सूरी के बारे में मैंने आपको जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था सारा का सारा मैंने आपको बता दिया, फिर से क्या करता हूँ मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ आपकी, ताकि आपके क्या सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। शेरशाह सूरी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, शेरशाह सूरी का जो वंश था वो कब से कब तक चला था, 1540 से 1555 के बीच में ये वंश चला था, ठीक है। और शेरशाह सूरी कौन थे, भारत के अंदर सेकंड अफगानी थे। सेकंड अफगानी बोलने का मतलब क्या है कि इससे पहले कौन से, अगर मैंने सेकंड अफगानी बोला हुआ तो आपने क्या होगा ऑब्वियसली आपके दिमाग में आया होगा, तो फर्स्ट अफगानी कौन थे, तो फर्स्ट अफगानी आपको पता है इब्राहिम लोदी थे, ठीक है, जिसको बाबर ने बाद में हरा दिया था, ठीक है। तो जो भी लोग ऑनलाइन है तो प्लीज क्या करो यार, एक बार कमेंट तो कर दो कि यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप लोग क्या करो एक बार कमेंट तो एटलीस्ट आप लोग कर दो, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म मैंने आपको बताया था कि होशियारपुर पंजाब के अंदर हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 1486 के अंदर हुआ था, ठीक है, 1486 के अंदर हुआ था, ठीक है। लेकिन कई सारे लोग बोलते हैं कि 1486 के अंदर नहीं,
इनका जन्म 1472 के अंदर हुआ था। तो क्या डिस्प्यूट का क्वेश्चन अभी तक आज तक कंफर्म नहीं हुआ है कि शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ था, 1486 में हुआ था या फिर 1472 में हुआ था, ठीक है। तो क्या डिस्प्यूट होने की वजह से क्या ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज एग्जाम में वो चीज़ हमेशा आती है जो कभी फिक्स हो, ठीक है। तो अगर डिस्प्यूट या कन्फ्यूजन है कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ का ईयर क्या, तो क्या है आपने किसी भी एग्जाम में आज तक ये क्वेश्चन नहीं देखा होगा कि शेर शाह सूरी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। ना कभी पूछी जाएगी, ऑब्वियसली का डिस्प्यूट की चीज़ आपकी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ठीक है। और इनके क्या है, इनके चाइल्डहुड नेम क्या था, इनका बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था फरीद खान इनके बचपन का नाम था। और इनके फादर का नाम क्या था, इनके फादर का नाम हसन खान था। फादर नेम क्या था आपका, फादर नेम था हसन खान। हसन खान कौन थे, हसन खान एक लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। लैंडलॉर्ड कहाँ के लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, जौनपुर के ये लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, जौनपुर के जमींदार हुआ करते थे, ठीक है। और जौनपुर किस चीज़ के लिए फेमस है फिलहाल एट प्रेजेंट, जौनपुर आपका मुस्लिम एजुकेशन के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि जैसे ये क्या था, अपनी फिजिकल फिटनेस की वजह से क्या था, बहुत ही तगड़ा एक लड़का था, ठीक है। ये अपनी इसकी फिजिकल फिटनेस काफ़ी अच्छी थी। जैसे ये बिहार के अंदर गया घूमने वगैरह के लिए गया, तो इसकी क्या हुई, जो बिहार के जो रूलर थे बाहर खान लोवानी की नज़र इस पर पड़ी, और इसको क्या हुआ, इसकी फिजिकल फिटनेस देखकर क्या है, इसको अपॉइंट कर लिया जाए अपना बॉडीगार्ड। तो जो बाहर खान लोवानिया कभी जंगल के अंदर घूमने गए, तो क्या हुआ, शिकार करने के लिए गए, तो शिकार एक शेर ने उन पर आक्रमण कर दिया, उन पर अटैक कर दिया, ठीक है। तो इनके बॉडीगार्ड कौन थे, शेर शाह सूरी थे। तो जैसे ही शेर पर इन्होंने अटैक किया, इन्होंने तलवार निकाली, शेर शाह सूरी ने एक ही वार के अंदर क्या हुआ, ही किल्ड लोयन, उसने शेर को मार दिया, ठीक है। जैसे ही ये चीज़ बाहर खान लोवानी ने देखी कि इसने तो क्या किया, शेर को मार दिया, तो इसको एक टाइटल दिया शेर खान। शेर खान इसका नाम कैसे पड़ा, यानी कि शेर को मारने के बाद क्या है, इसको शेर खान टाइटल दिया बाहर खान लोवानी ने। उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाहर खान लोवानी का कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इनके घर पर एक बेटे का जन्म हुआ, ठीक है। तो अब इसको पता था कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो मेरे बेटे के भी दुश्मन काफ़ी है, जैसे मेरे दुश्मन काफ़ी है तो मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में है। तो उन्होंने क्या किया, एज ए इसको अपना बॉडीगार्ड हटाकर अपने बेटे का बॉडीगार्ड बना दिया, ठीक है। ही अपॉइंट हिज सन बॉडीगार्ड, ठीक है, बेटे का इसका बॉडीगार्ड बना दिया। तभी क्या हुआ कि उसी सेम टाइम के अंदर क्या किया, भारत के अंदर मुगल्स आ गए, ठीक है, भारत के अंदर मुगल्स आ गए। तो इसने क्या हुआ कि इसने यहाँ पर बॉडीगार्ड की पोस्ट को छोड़कर मुगल्स की आर्मी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इसने बॉडीगार्ड की पोस्ट को छोड़कर मुगल्स आर्मी को इसने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, मुगल्स आर्मी को इसने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और मुगल्स आर्मी की तरफ से इसने क्या लड़ी, इसने मुगल्स आर्मी की तरफ से बैटल ऑफ चंदेरी भी लड़ी, ठीक है। तो क्या हुआ, बैटल ऑफ चंदेरी लड़ने के बाद क्या, इसने मुगल्स आर्मी को छोड़ दिया। सब कुछ आपको पता है कि क्यों छोड़ा था, आप लोगों को ये बाबर की वीडियो के अंदर या फिर क्या मेरी अनअकैडमी पर जो मेरा कोर्स है, ठीक है, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, वहाँ पर देख लेना मुगल एरा। तो बाद में ये महमूद लोधी की सेना में जाकर क्या है, शामिल हो गया, यानी कि इसने जो बंगाल के अंदर महमूद लोधी है उसकी आर्मी को ज्वाइन कर लिया, ही ज्वाइन महमूद लोधी आर्मी, ठीक है। तो अब क्या है, महमूद लोधी को आपको पता है, महमूद लोधी की और बाबर की लड़ाई हुई थी, यानी कि महमूद लोधी को बाबर की लड़ाई हुई थी। तो इसने क्या था, जो पहले मुगल्स की आर्मी की तरफ से इसने बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी थी, अब मुगलों के खिलाफ इसने कौन सी लड़ाई लड़ी, इसने मुगलों के खिलाफ आपकी बैटल ऑफ घाघरा लड़ी, जो किसके बीच में हुई थी, महमूद लोधी और बाबर के बीच में हुई थी, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब क्या है, बाद में यही चलकर क्या होगा, बैटल ऑफ चौसा के अंदर, यानी कि बैटल ऑफ बेलग्राम के अंदर क्या करेगा, हुमायूं को हरा देगा। शेर शाह सूरी अपने एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए क्या है, काफ़ी पॉपुलर था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसने भारत के अंदर क्या था, भारत के अंदर शेर शाह सूरी मार्ग बनवाया था। शेर शाह सूरी मार्ग कहाँ से कहाँ तक बनवाया था, इसने शेर शाह सूरी मार्ग आपका सोनार से पेशावर तक बनवाया, पेशावर जो आपका पाकिस्तान के अंदर है, सोनार से पाकिस्तान के अंदर बनवाया, ठीक है। तो पेशावर तो पाकिस्तान के अंदर चला गया, आप सभी को ही पता है। और इसने इस रास्ते के अंदर क्या बनवाया, 1700 सराय बनवाए। 1700 सराय बोलने का मतलब क्या है, 1700 इसने रेस्ट हाउस बनवाए। रेस्ट हाउस बनवाने के साथ साथ क्या किया, इसने हर 2 माइल पर एक इसने कोस मीनार भी लगवाया, हर 2 माइल पर। कोस मीनार बोलने का मतलब क्या, डिस्टेंस साइन। और इसी डिस्टेंस साइन को हमारी इंडियन गवर्नमेंट आज भी फॉलो करती है, अभी भी क्या, फिलहाल आपको नेशनल हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे पर हर 2 माइल बाद क्या है, आपको डिस्टेंस बोर्ड लिखता है कि आप लोग कितना किलोमीटर चल चुके हो, ठीक है। तो ये सब कुछ इसने फॉलो किया, जिसको बाद में चला अकबर ने भी फॉलो किया, अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इसको फॉलो कर रही है, ठीक है। और क्या है,
अभी इसका फिलहाल नाम क्या है, इसका नाम बदलकर अब क्या है इंडियन गवर्नमेंट ने, बिकॉज क्या पेशावर तो पाकिस्तान के अंदर चला गया, तो अभी इसका नाम फिलहाल क्या है, इसका नाम क्या है शेर शाह सूरी मार्ग की वजह से क्या इसका नाम क्या बदलकर क्या आ चुका है जी टी रोड, यानी कि ग्रांड ट्रक रोड। और ये जी टी रोड कहाँ से कहाँ तक है, ये जी टी रोड कलकत्ता से अमृतसर है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है इंडियन गवर्नमेंट से, एन एच वन और एन एच टू। एन एच वन कहाँ से कहाँ तक है, एन एच वन आपका दिल्ली से कोलकाता की तरफ, और एन एच टू यानी कि दिल्ली से NH1 कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से अमृतसर की अमृतसर, और NH2 दिल्ली से कोलकाता, यानी कि कोलकाता से और अमृतसर NH1 और NH2। NH1 कहाँ से कहाँ तक है मैं फिर से बता देता हूँ, दिल्ली से अमृतसर, और NH2 कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, दिल्ली से कोलकाता, ठीक है। और फिलहाल भारत के अंदर जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, भारत के अंदर सबसे बड़ा नेशनल हाईवे आपका NH44 है। NH44 कहाँ से कहाँ तक है, NH44 आपका कन्याकुमारी टू श्रीनगर है, सभी को ही पता है कन्याकुमारी टू श्रीनगर, ठीक है, ये आप लोग सभी को ही पता होगा, ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको बता भी चुका हूँ ऑलरेडी। इसने और एक दूसरा काम क्या किया था, इसने पाटलिपुत्रा का नाम चेंज कर दिया था, ठीक है, इसने पाटलिपुत्रा का नाम चेंज कर दिया था, पाटलिपुत्रा का नाम चेंज कर बदलकर इसने क्या कर दिया था, पाटलिपुत्रा का नाम बदलकर इसने पटना इसने ही नहीं रखा था जो बिहार की कैपिटल है, ठीक है, बिहार की जो कैपिटल है। इसने भारत के अंदर क्या किए थे, सिल्वर कॉइन्स चलवाए थे, सिल्वर कॉइन्स का नाम क्या दिया इसने, सिल्वर कॉइन्स का नाम रुपया दिया, और कॉपर कॉइन्स का नाम क्या दिया, कॉपर कॉइन्स का नाम आपका दाउम दिया, यानी कि जो ये लिखा हुआ डैम दाउम, ठीक है, ये दाउम एक्चुअली अगर एक ही स्टेट के अंदर दो करेंसी चल रही है तो ऑब्वियसली दोनों को इक्विवेलेंट भी करना पड़ेगा, तो 1 silver coin = 64 daum, या फिर आप बोल सकते हैं 1 rupee = 64 daum, ठीक है। भारत के अंदर क्या क्या इसने पोस्ट भी चलवाई, ठीक है, आप लोगों को जो ये फिलहाल जो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, ठीक है, यानी कि जो ये आप लोग चिट्ठी वगैरह भेजते हो, इसने भारत के अंदर क्या किया, पोस्ट वर्क भी इसी ने स्टार्ट किया था। एंड लास्ट फाइनली इसकी डेथ कहाँ पर हुई, फाइनली इसकी डेथ कहाँ पर कैसे हुई, और खड़ा था आपका शेर शाह सूरी और उसके पास आकर फट गया, ठीक है, और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ होगी। अगर डेथ होगी तो टॉम्ब भी इसका कहीं ना कहीं बनेगा, तो इसका टॉम्ब कहाँ पर बना हुआ है, इसका मकबरा कहाँ पर बना हुआ है, इसका मकबरा आपका सासाराम बिहार के अंदर बना हुआ है, ठीक है, सासाराम बिहार के अंदर इसका मकबरा बना हुआ है। बाद में अगर ये मरेगा तो कोई ना कोई इसका उत्तराधिकारी भी होगा, तो इसके उत्तराधिकारी कौन कौन से थे, इसके उत्तराधिकारी आपके इस्लाम शाह, आदिल शाह और सिकंदर शाह सूरी, ठीक है। हमारे लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज क्या था जो ये इस्लाम शाह ये बस हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या था जो आपके इस्लाम शाह सूरी थे, इस्लाम शाह सूरी के अंदर ही क्या करते थे, हेमू आपका दीवान हुआ करता था, हेमू दीवान हुआ करता था, यानी कि दीवान बोलने का मतलब क्या, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री हुआ करता था, जो बाद में चलकर क्या अकबर इस पर अटैक करेगा, ठीक है। हेमू आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस्लाम शाह सूरी के कोर्ट में ही क्या करते थे, हेमू जॉब करता था, और किस जॉब कौन सी पोस्ट पर था, प्रधानमंत्री की पोस्ट पर था, दीवान की पोस्ट पर हुआ करता था। और ये हेमू कहाँ से था, हेमू आपका रेवाड़ी के अंदर से था, ठीक है। हेमू कहाँ से बिलोंग करता था, हेमू आपका हरियाणा के रेवाड़ी से बिलोंग करता था, ठीक है। सभी पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आदिल शाह के कोर्ट के अंदर ही क्या करता था, आदिल शाह कोर्ट के अंदर ही हेमू आपका दीवान हुआ करता था, दीवान बोलने का मतलब प्रधानमंत्री। और ये कहाँ से था, ये रेवाड़ी से था, हरियाणा के रेवाड़ी से था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बाद में आपके जो सिकंदर शाह सूरी यानी कि जो सूरवंश के लास्ट रूलर होंगे, ठीक है, इस लास्ट रूलर जैसे भी कुछ क्या, सिकंदर शाह सूरी क्या थे, कमजोर रूलर थे, और इसी चीज को देखकर क्या किया, हुमायूं ने इस पर अटैक कर दिया। और कहाँ पर ये अटैक किया, सरहिंद पर इसने अटैक किया, ठीक है, इसी वजह से पॉपुलर एक लड़ाई हुई, बैटल ऑफ सरहिंद। तो किस किसके बीच में हुई, सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, ठीक है। और ऑब्वियसली क्या, हुमायूं ने शेर शाह सूरी की हत्या कर दी। तो अगर क्वेश्चन है कि सूरवंश का लास्ट रूलर कौन सा था, तो सूरवंश का लास्ट रूलर आपका सिकंदर शाह सूरी था, ठीक है, सिकंदर शाह सूरी था। ये सब कुछ क्या था, ये सब कुछ आपका शेर शाह सूरी के बारे में था, ठीक है। तो जो कल टॉपिक होगा, कल वो हम लोग उसमें अंदर क्या कवर करेंगे, कल जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम अकबर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अकबर आपको पता है भारत के इतिहास के अंदर वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट रूलर, तो कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में हम लोग अकबर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट हो, थोड़ी सी भी आपको कन्फ्यूजन हो, ठीक है, शेर शाह सूरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपको, तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। तो मैं कुछ मिनट्स के लिए क्या है, आप लोगों की कमेंट पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग क्या कर सकते हो, प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हो। तो जल्दी से बताइए आप लोगों को कोई डाउट हो तो, डाउट को क्या है, हम लोग अभी ऑन द स्पॉट हम लोग सोल्व कर देंगे, वरना क्या है सेशन को हम जल्दी क्लोज करने वाले हैं, ठीक है।
तो जल्दी से बताइएगा अगर कोई भी ऑनलाइन है तो, अगर आपको कोई डाउट हो तो ऑनलाइन क्या भी बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन, तो अगर आपको जैसे भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पक्का से पूछिएगा। आई एम फोकसिंग योर ओन कमेंट। ठीक है, तो क्या है, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया है, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। तो क्या करते हैं, सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है, सो गुड नाइट टू एवरीवन, तो मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है।